लोग प्लीज मुझे बताइएगा। सभी को शेयरिंग दिखाई दे रहा है, प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में कि आप लोगों को शेयरिंग दिखाई दे रही है या नहीं। ओके, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे 2 मिनट टाइम दे दीजिए। चलिए आज की सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट जिस स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको चार प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देगी और ये चारों के चारों प्रोडक्ट्स अभी बाय वन गेट टू के ऑफर में है। ये ऑफर में है क्योंकि आज की आप लोगों को सभी को बैनर में दिखने के लिए मिले मिले होंगे कि यहाँ पे आज हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उसके साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस को भी हम लोग किस तरह से इंक्रीज करें इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये ऑफर में है, मतलब बाय वन गेट टू के ऑफर में है। इसका मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट प्राइस के, मतलब एमआरपी प्राइस से खरीदेंगे और दोनों प्रोडक्ट्स हम लोगों को फ्री में मिलेगी, राइट। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो बेनिफिट्स हैं, नंबर वन, अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को, जब आप, मैं हर टाइम जैसे बोलती हूँ, अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को एमआरपी के दाम से ही किसी को सेल करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होती है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि शायद नेक्स्ट मंथ में आपको इसी प्रोडक्ट में कोई ऑफर मिले, तो इसका मतलब अगर आप पहले से इस ऑफर को ग्रैब करके रखते हैं, जब आप नेक्स्ट मंथ में आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो इसमें भी, मतलब ये प्रोडक्ट्स आप एमआरपी के दाम से ही सेल कर पाएंगे, राइट। तो चलिए पहले तो ये तो गया बिजनेस का कि हम लोग एक प्रोडक्ट्स के दाम एमआरपी में देंगे। उसके साथ साथ जो बाय वन गेट टू के ऑफर में है वो भी हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं दाम एक का, लेकिन जब हम किसी को सेल करते हैं तो एमआरपी के दाम से ही दोनों को सेल कर पाएंगे, राइट। सेकेंडली चलते हैं जो मेन थिंग, कि अगर हम लोग किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग हमारी अंदर या तो हमारे दिमाग में अगर कोई भी सेल की बात चल रही है तो उससे पहले सेलिंग करने के लिए एक प्रोडक्ट की खासियत बताना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि आज आज कोई भी पर्सनल केयर की इंडस्ट्री देखिए, एफएमसीजी की इंडस्ट्री देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। लेकिन हमारी केवा में जो प्रोडक्ट्स है वो इतना खास क्यों है ये बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आज जो ये चार की प्रोडक्ट्स हैं, ये चार प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नंबर वन जो प्रोडक्ट्स है इज अ कोलाजिन बूस्टिंग एज डिफाइंग फेस क्रीम। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अच्छा, सभी को दिखाई दे रही है क्या या तो कोई दिक्कत आ रही है? एवरीवन प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को प्रॉपरली, जब मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? ओके ओके जस्ट अ मिनट। आई थिंक अभी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी।
अभी आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी 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 ओके चलिए, फर्स्ट जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो है कोलाजिन बूस्टिंग एज डिफाइंग फेस क्रीम। गाइस, अगर मैं कोलाजिन बूस्टिंग की बात करूं तो ये हर किसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है हर किसी एज के लिए। अगर मैं आज के टाइम पे अगर मैं कोई भी एज की एक पर्सन की बात करूं, वो लेडीज हो सकते हैं, वो जेंट्स भी हो सकते हैं, आज के टाइम पे आज की जो खाने का हैबिट है, जो न्यूट्रिशंस है, जो आपकी जो स्किन केयर की प्रोसेस है, जो टाइम की दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सबसे पहले जो प्रॉब्लम में आता है वो है आपकी स्किन में एजिंग का प्रोसेस, राइट। आज आप देखिएगा जिसका एज 12 इयर्स है, वो जब थोड़ा सा स्माइल करते हैं उनकी स्माइल लाइन में या तो उनकी आंखों की आई थ्रू में अभी से उनकी एजिंग का स्पॉट या तो एजिंग या तो फाइन लाइंस आ रही है। ऐसा क्यों है? इसका कॉजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से शेयर की है। वो एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकती है, प्रॉपरली स्किन केयर नहीं हो सकती एक कारण हो सकती है, उसके साथ साथ डीएनए का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अगर आप प्रॉपरली, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पहले से प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। जब हमारी स्किन में दिक्कतें आती है तब हमारे दिमाग में ये चलती है अब मैं कैसे अपनी स्किन को ठीक करूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पहले से आपकी स्किन में प्रिकॉशंस जरूरी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की जरूरत है वो है कोलाजिन बूस्टर एज डिफाइंग फेस क्रीम। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज के टाइम पे एजिंग प्रोसेस जल्दी आना ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है, क्योंकि आज की जितनी सारी कॉजेस आप जानते हैं उसकी वजह से सबसे पहले इफेक्ट होती है आपकी कोलाजिन। कोलाजिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोलाजिन एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग इसे, अगर मैं आपको इसे डिस्क्राइब करूं, जैसे कि आप जानते हैं एक बेलून होती है, जब आप अपने घर में कोई डेकोरेशंस करते हैं तो उसमें बेलून का यूज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट डे जब आप बेलून से आपके घर को यूज करते हैं, मींस डेकोरेशंस करते हैं, उस टाइम पे उसका जो एक शेप होती है वो बहुत ज्यादा टाइटनिंग होती है और देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, राइट। लेकिन 1 से 2 दिन बाद या तो अगर आप नेक्स्ट डे देखेंगे, वो बेलून क्या होगी, पूरी तरह से वो छोटी हो जाएगी, उसकी साइज ही चेंज हो जाती है, राइट। उसी तरह कोलाजिन भी एक ऐसा ही चीज है जो हमारे स्किन के अंदर रहते हैं। अगर आप पहले से इसका टेक केयर नहीं करते हैं, जिसका एक इफेक्ट होती है आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग लाइन्स आना, कोलाजिन का ब्रेकडाउन हो जाना, राइट। अगर आप चाहते हैं कि पहले से आपके स्किन में एजिंग प्रोसेस स्लो हो, जिसकी वजह से आपको पहले एक क्रीम की जरूरत होती है, वो है कोलाजिन बूस्टर एज डिफाइंग फेस क्रीम। क्योंकि ये क्रीम, इस क्रीम के अंदर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है हाइजनोलिक एसिड। हाइजनोलिक एसिड क्या काम करते हैं? ये डायरेक्टली कोलाजिन के ऊपर काम करते हैं, मतलब ये कोलाजिन को बूस्टअप करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन बहुत ज्यादा टाइटनिंग रहते हैं, स्किन में सैगिंगनेस बहुत लेट से आती है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन में एजिंग प्रोसेस भी स्लो डाउन होती है, राइट। ये और क्या काम करते हैं? जैसे कि फाइन लाइंस को रिमूव करना, जैसे कि रिंकल्स को रिमूव करना, जैसे कि प्री मैच्योर एजिंग लाइंस को मतलब प्री मैच्योर एजिंग लाइन से आपकी स्किन को प्रिकॉशंस देना, और उसके साथ साथ इज अ मेन थिंग, जब आप सुबह से लेके रात तक जब आप बाहर निकलते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब आप रात में घर लौटते हैं, उसके बाद आपकी स्किन में ये पूरे दिन में जैसे कि यूवी रे की एक इफेक्ट हो, पोल्यूशंस का एक इफेक्ट हो, जिसकी वजह से आपकी सेल जो हर टाइम में डैमेज हो रही है, उस सेल को फिर से बूस्टअप करना या तो उसे रिपेयर करने का काम करते हैं कोलाजिन बूस्टर एज डिफाइंग फेस क्रीम, राइट। ये आप आफ्टर 12 के बाद किसी को भी ये प्रोडक्ट के सजेशंस आप कर सकते हैं।
इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, जैसे कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रोलिक एसिड है और विटामिन ई है। अगर मैं एलोवेरा विटामिन ई की बात करूं, आप लोग सभी जानते हैं कि एलोवेरा आपकी स्किन को स्मूदिंग बनाने के काम करते हैं और विटामिन ई जो है आपकी स्किन को, जैसे कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना हो, अगर आपकी स्किन को हेल्दियर बनाना हो, इसके काम करते हैं ये। तो अगर एक प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा, हाइड्रोलिक एसिड एंड विटामिन ई है, तो इसका मतलब आपको पता ही होगा कि ये कितने पावरफुल होते हैं आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के। और यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मतलब लेडीज हो या तो जेंट्स हो, मुझे पता है कुछ भी हो जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी स्किन में कहीं ना कहीं पे जल्दी से एजिंग लाइन्स आ जाए, राइट? तो पहले से इसका प्रिकॉशंस अगर आपको लेना है, तो इसमें आपको कोलाजिन बूस्टिंग का अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे आप दोनों टाइम में अप्लाई कीजिएगा, एक बार मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश कर रहे हैं, उसके बाद कोलाजिन बूस्टिंग अप्लाई कीजिए, 2 से 3 मिनट इसे एब्जॉर्ब होने दीजिए, देन अप्लाई सन प्रोटेक्शन। रात में आपको इसे करना है, पहले फेस वॉश देन कोलाजिन बूस्टिंग अप्लाई करके आपको सोने के लिए जाना है, राइट? चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, इज अ काइपो शी वुड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम। अच्छा, सो सॉरी गाइस, एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो कोलाजिन बूस्टिंग क्रीम है, इसका जो MRP है वो है 120 एंड BP है 10 BP, राइट? और ये बाय वन गेट टू के ऑफर में भी है। नेक्स्ट चलते हैं काइपो शील्ड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी टीनेजर को देखेंगे, इस वेदर की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम के साथ साथ अगर मैं इस वेदर की बात करूं, इस टाइम पे ज्यादातर लेडीज हो, जेंट्स हो, उनकी एक प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट टीनेजर की बात करूं, इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन में रैशेस आना, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन रेडनेस आ जाना, ये जो सारे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन है शी वुड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम, राइट? ये बेसिकली क्या काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्ने पिंपल्स एंड पिंपल्स की स्कार्स को, मतलब कोई भी दाग धब्बे अगर हो उसे रिमूव करने का काम करते हैं और आपकी स्किन को एक ग्लो इफेक्ट देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाहर की, मतलब जो मार्केट की या जो डॉक्टर क्रीम देते हैं, उसमें और इसमें क्या दिक्कत है। अगर अगर किसी, मतलब कोई भी, अगर मेरे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, अगर आपकी स्किन में भी कहीं ना कहीं पे पहले भी रैश पिंपल्स वगैरह थे, तो आपको ज्यादातर पता होगा कि अगर हम लोग कोई भी बाहर का क्रीम यूज करते हैं या तो कोई भी मेडिकेटेड एक्ने पिंपल्स की क्रीम यूज करते हैं, तो दिक्कत 2-3 आते हैं। नंबर वन, आप जब तक इसे यूज करते हैं तब तक आपको इफेक्ट मिलती है, उसके बाद जो साइड इफेक्ट होती है वो है एक स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट, मतलब आप अगर उस क्रीम को छोड़ देते हैं लेकिन वो प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती है। नंबर टू ये होती है कि आप जिस एरियाज में वो मार्केट की क्रीम यूज करते हैं, उसके बाद क्या होती है, उस एरिया में बहुत ज्यादा ड्राइनेस या तो रेडनेस आ जाते हैं, राइट? एंड नंबर थ्री क्या होती है, उसके बाद अगर आप कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो उस जगह में, मतलब उस एरियाज में क्या होती है, बहुत ज्यादा जलन का एक सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत आती है, राइट? ये सारे चीज अगर आप नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी जो नेचुरल एक क्रीम है जिसका नाम है शील्ड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम, ये आपको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर शील्ड एक्स, मतलब अगर आप इस क्रीम को यूज करते हैं, इसके अंदर है शील्ड एक्सट्रैक्ट, जो एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स है। कभी कभी आपको ऐसा भी पेशेंट मिल सकती है जिनकी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स है और यो इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि वो उसमें ना एक मतलब जिसे हम लोग ब्लड होते हैं, अगर वो थोड़ा सा पुश करते हैं तो उसमें ब्लड भी निकल के आते हैं, राइट? ऐसे प्रॉब्लम में अगर आप शील्ड एक्ने क्लैरिफाइंग क्रीम यूज करते हैं, तो ये इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से ये जो शील्ड है वो उसे धीरे धीरे उस इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, राइट? उसके साथ साथ ये जो शील्ड एक्सट्रैक्ट है, ये क्या काम करते हैं, आपकी स्किन के लिए जो भी विटामिंस एंड मिनरल्स की जरूरत होती है वो पूरी ये शील्ड क्रीम आपकी स्किन को देते हैं।
जिसकी वजह से ना तो आपकी स्किन में कोई दिक्कतें आएगी, उसके साथ साथ आपकी स्किन में जो भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जो भी स्कार्स की प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे निकलती जाएगी और आपकी स्किन और भी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग होती जाएगी। आपको किस तरह से इसे यूज करना है? इसे यूज करना है दोनों टाइम, जैसे कि पहले फेस वॉश मॉर्निंग में, उसके बाद जिस एरिया में आपकी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है ओनली फॉर उसी एरिया में इस प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए। 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, इसके ऊपर मॉर्निंग में आपको अप्लाई करना है सन प्रोटेक्शन, राइट? क्या करना है? फेस वॉश, उसके बाद ओनली फॉर इफेक्टेड एरियाज के ऊपर अप्लाई करना है शी उच एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम, देन अप्लाई कोलाजिन बूस्टिंग क्रीम। दोनों क्रीम के बीच आप 2 से 3 मिनट का गैप लीजिए, जब तक एक क्रीम एब्सॉर्ब ना हो जाए दूसरा क्रीम आप मत लगाइए, राइट? फॉर अ बेस्ट रिजल्ट, अगर आप इस तरह से यूज करते हैं, आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्ने पिंपल्स हो, रैशेस की प्रॉब्लम हो, कोई भी दाने की प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज खत्म हो सकती है अगर आप प्रॉपर वे में इस प्रोडक्ट की यूज कर सकते, मतलब यूज करते हैं, राइट? अब चलते हैं ऐसी एक प्रोडक्ट जो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, हर किसी को एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट? वो क्या है? वो है स्क्रब। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई स्क्रबिंग उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, स्क्रबिंग आपकी डेली रूटीन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोसेस या तो एक आप बोल सकते हैं एक स्टेज, क्योंकि अगर आप पुरानी सेल को रिमूव नहीं करेंगे, आपकी जो डेड सेल है अगर आप इसे अपनी स्किन से नहीं हटाएंगे तो नया सेल का इफेक्ट आपको कैसे दिखाई देगी, राइट? तो इसके लिए आपको, और किसी किसी को बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक हेड्स या तो व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, उसे भी रिमूव करना बहुत आसान होती है अगर आप एटलीस्ट वीक में अगर आप दोनों टाइम दो मतलब वीक में 2 बार अगर आप इस स्क्रब को यूज करें, तो हमारे पास 2 स्क्रब है। नंबर 1 है एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब। इसका क्या काम है? एक तो है ये, जब भी आप स्क्रब करते हैं आपके ऑयल सिक्रेशन एंड मॉइस्चराइजर सिक्रेशन एक मतलब अच्छी तरह से आपकी स्किन को होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन होती है वो भी धीरे धीरे चेंज होती है। उसके साथ साथ आपकी स्किन क्या मतलब जब भी कॉम्प्लेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें क्या होती है, आपकी स्किन की ब्राइटनिंग भी बढ़ रही है, राइट? ये आप कोई भी स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन अगर नॉर्मल है, आपकी स्किन अगर ड्राई है, तो आप इसे क्या मतलब एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब की खासियत के बारे में बताऊं तो इसके अंदर है एप्रिकॉट ऑयल, जिसका मेन काम होती है आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करना और आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देना, राइट? जैसे कि आप जब भी इसे अप्लाई करते हैं आपकी स्किन बहुत ज्यादा पैम्पर होती है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिशमेंट मिलती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जितनी भी रिंकल्स, फाइन लाइंस या तो ब्लेमिश होती है वो भी धीरे धीरे रिमूव होती जाती है। अगर आपकी स्किन डैमेज है तो वो रिपेयर होना स्टार्ट होगी और उसके साथ साथ आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है, आप इस कभी कभी देखेंगे किसी किसी का स्किन का मतलब देखिए उनकी एज या मतलब स्किन कहीं ना कहीं पे नीचे की तरफ आ रही है। इसका कारण ये होती है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी कहीं ना कहीं पे कोई भी हैम्पर हो रही है तो उसकी वजह से आपकी स्किन में सैगिंगनेस आ रही है। ये जो एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब है ये क्या करते हैं, आपकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, राइट? उसके साथ साथ आपकी नोज एरिया या तो चिन एरिया में अगर आपकी कहीं ना कहीं पे कोई भी ब्लैक हेड्स या तो व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, आप उसमें एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब को जरूर यूज कीजिए, राइट? आपको इसे कैसे यूज करना है मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट स्क्रब के साथ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, ये है पपाया स्क्रब। अगर मैं पपाया स्क्रब की बात करूं
तो ये आग सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिनकी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, हमेशा हर हर कोई उनको यही कहते हैं कि भाई आपको स्क्रब नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊं, अगर किसी के स्किन में कहीं ना कहीं पे उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये पपाया स्क्रब दे सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रब बहुत ज्यादा माइल्ड है। उसके साथ आप उनको ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए जो आपके पास आए हैं एंटी एजिंग की इफेक्ट के लिए, राइट? क्योंकि ये जो पपाया स्क्रब है ये आपकी स्किन को एंटी एजिंग का इफेक्ट भी देते हैं। स्क्रब के काम क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन पपाया स्क्रब क्यों डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं पपाया स्क्रब की बात करूं तो इसके अंदर तीन चीज है, एक है हनी एक्सट्रैक्ट, नंबर टू है पपाया एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ साथ है ओट मिल एक्सट्रैक्ट। ये तीनों चीज अलग अलग काम करते हैं। अगर मैं हनी एक्सट्रैक्ट की बात करूं तो ये जो काम करते हैं वो है आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, मतलब ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और आपके पोर्स को क्लींजिंग करने का काम करते हैं, मतलब डीप पोर्स क्लीनिंग का काम करते हैं हनी एक्सट्रैक्ट। पपाया एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पापेन नाम की एक एंजाइम रहती है। ये क्या काम करते हैं, जैसे कि डेड सेल को रिमूव करना, और ये जो पपाइन जो एंजाइम होती है ये आपकी स्किन की मॉइस्चराइजर बैलेंस को होल्ड करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर है ओट मील एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को स्मूदर बनाने के काम करते हैं, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करते हैं। अब दोनों स्क्रब को आपको किस तरह से यूज करना है फॉर अ बेस्ट रिजल्ट, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे दिन में यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ बेस्ट रिजल्ट अगर आप इसे रात में यूज करें, क्योंकि आप अगर इसे प्रॉपरली रात में अगर आप हल्के हाथों से इसे यूज कर रहे हैं पूरे फेस में, आई एरिया को छोड़ के स्क्रबिंग को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट काफी होती है स्क्रबिंग को यूज करना। उसके बाद अगर आप कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो वो पूरी तरह से आपकी पोर्स से, स्किन के पोर्स से अंदर तक जाते हैं, क्योंकि रात में अगर हम लोग कोई भी स्किन केयर करते हैं फॉर अ स्पेशल स्किन केयर, तो उसके बाद जब हम नींद लेते हैं नेक्स्ट डे आपको उसका मतलब अलग सा एक ग्लोइंग दिखाई देती है, राइट? तो स्क्रब आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार कर सकते हैं, या तो मैक्सिमम 3 वीक में 3 बार आप इसे कर सकते हैं, राइट? उसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मतलब हर रोज स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप स्क्रब कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम कम है तो अगर आप उस दिन फेस वॉश ना करें तो कोई दिक्कत नहीं आती, राइट? स्क्रबिंग अगर आप करते हैं, अगर उसके बाद आप फेस वॉश नहीं करते तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दो प्रोडक्ट की प्राइस बता दूं। अगर मैं पपाया स्क्रब की सॉरी पहले मैं एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब के बारे में बता दूं, इसका प्राइस इसका है MRP 200 एंड BP है 38। पपाया स्क्रब का भी सेम है 200 इसका MRP एंड BP है 38, जो बाय वन गेट टू के ऑफर में है, राइट? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। गाइस, अगर आपको देखने में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा। आपको दिखाई दे रही है न्यू जो स्लाइड मैंने आपको शेयर की है? जी जी ओके। चलिए थोड़ा सा नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है।
चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप लोग बड़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती है, मैम मैं अपने कॉम्प्लेक्शन को कैसे चेंज करूं। अगर आपके स्किन में कहीं ना कहीं पे कोई भी पिगमेंटेशन या तो जिसे हम लोग छाया कहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है, या तो अगर आपके स्किन में कहीं ना कहीं पे कोई भी अनइवन स्किन टोन है, या तो अगर आपके स्किन में कोई भी दाग धब्बे हैं, तो इसके लिए एक स्पॉटलेस फेयर स्किन के लिए आपके पास है नया अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम, जो आपके स्किन में हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मीन्स अगर आपके स्किन में कोई भी स्पॉट है, कोई भी दाग धब्बे हैं, कोई भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्लियर स्किन मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल, क्योंकि ये आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आना, ब्राइटनेस आने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके टोन बहुत ज्यादा डार्कर है तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप पूरी तरह से फेयर हो जाएंगे। ये आपके स्किन में जो नेचुरल एक फेयरनेस होती है, अगर आपके स्किन में कोई भी टैनिंग है, जब आप उसे रिमूव कर देते हैं, जो आपकी एक ग्लो या तो एक फेयरनेस निखार के आते हैं, वो चीज आपको मिलेगी अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम में, राइट? इसके अंदर जैसे कि मूलबेरी है, सैक्सीफ्रेग है, और उसके साथ साथ है ग्रैप एक्सट्रैक्ट, जो आपकी स्किन को ब्राइटर करने में मदद करते हैं, राइट? आपको इसे किस तरह से यूज करना है, अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो दोनों टाइम यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपको क्या करना है, आपकी स्किन को पहले क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हमारे पास फेस वॉश है। फेस वॉश से क्लीन कीजिए, देन अप्लाई अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम। इसे अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में इसके ऊपर अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, अप्लाई सन प्रोटेक्शन। और अगर आप नाइट में इसे यूज करना चाहते हैं, देन यूज फेस वॉश अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, देन अप्लाई कोलाजिन बूस्टिंग क्रीम, राइट? एक चीज याद रखिए, जब भी आप इसे अप्लाई करना है तो आई एरियाज को अवॉइड करके आपको इसे अप्लाई करना है, राइट? अच्छा, इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 120 एंड बीपी है 10 बीपी, बाय वन गेट टू के ऑफर में ये है। अब चलते हैं ऐसा एक क्रीम, क्योंकि अगर मैं इस क्रीम की बात करूं तो सबसे पहले एक बात बताना जरूरी है, वो है कि आपको बहुत सारे ऐसे फेस मिलते हैं जहां पे विदाउट मेकअप भी हुआ अगर आपके सामने आ जाते हैं, वो लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, अगर वो आपके सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको ये लगता है भाई एक बार ना पूछ ही लूं कि आप स्किन में क्या यूज करते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग इतने सारे मेकअप यूज करने के बाद भी हमारी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने आपके क्या यूज किया है जिसकी वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको भी ऐसा एक स्किन की मतलब एक नीड है, तो इसके लिए आपको यूज करना है ग्लो क्रीम, जो केवा ने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है, और उसके साथ साथ ये तो अभी ऑफर में है, बाय वन गेट टू के ऑफर में। इस क्रीम के अंदर है ग्लिसरीन, कोकोनट ऑयल, मिल्क एंजाइम, ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ साथ है रोज एक्सट्रैक्ट, और एक इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को ग्लो करने में मदद करते हैं। अगर आपकी स्किन को ग्लो करवाना है कि आप कुछ भी यूज करें, भाई कोई भी मेकअप आप कर रहे हैं, आपकी स्किन को ग्लो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी की जो टेंथ मतलब एक ट्रेंड आया है वो है कि ग्लो मेकअप, राइट? तो ऐसे ऐसी चीज के लिए या तो इस टाइम के साथ मेकअप को करने के लिए आपके पास है ग्लो क्रीम, जिसके अंदर मिल्क एंजाइम होने की वजह से आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फेयरनेस देना, उसके साथ साथ आपकी स्किन टोन को चेंज करना, मॉइस्चराइजर बैलेंस को इनहेंस करना, और आपकी स्किन की नरिशमेंट को और भी ज्यादा इंप्रूव करने का काम करते हैं ग्लो क्रीम, जिसकी वजह से अगर आप मेकअप के साथ भी इसे यूज करते हैं आपकी मेकअप बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, और अगर आप इसे नॉर्मली हर दिन अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपकी स्किन हर रोज
जब भी आप इसे यूज करते रहेंगे आपकी स्किन उतना ही ज्यादा इंप्रूव होगी और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा शाइन करेगी, राइट? तो ऐसी स्किन आई थिंक सबको जरूरत है. इज द सेम प्रोसेस, दोनों टाइम आपको इसे यूज करना है. पहले फेस वॉश, उसके बाद आपको ग्लो क्रीम यूज करना है, उसके बाद सन प्रोटेक्शन मॉर्निंग में, नाइट में आपको यूज करना है फेस वॉश, उसके बाद ग्लो क्रीम, देन आपको यूज करना है कोलाजिन बूस्टिंग क्रीम, राइट? गाइस, कोई भी स्किन रेज्यूम आप लीजिए, दोनों चीज को कभी नहीं भूलना है अगर आपकी स्किन को ठीक रखना है. नंबर वन, कुछ भी प्रोडक्ट यूज करें सन प्रोटेक्शन को नहीं छोड़ना है. रात में कोई भी प्रोडक्ट को यूज करें कोलाजिन बूस्टिंग को नहीं छोड़ना है, राइट? इन दो क्रीम के साथ आप जो भी क्रीम हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बाकी जितने भी सारे क्रीम, लेकिन ये दो क्रीम को आपको आपके लाइफ के साथ जुड़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रही हूँ. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगी. एनीवन, एनी क्वेश्चन? किसी का अगर कोई भी क्वेरीज है सो प्लीज आप लोग मुझे पूछ सकते हैं. जी अच्छा, आई एम सो सॉरी, ग्लो क्रीम का जो प्राइस है वो है 120 एंड बीपी है 24. पिंपल्स केयर जेल लगाने के बाद पिंपल्स बंद बंद हो जा रहा है. अच्छा अनुराधा जी, आई थिंक मुझे आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया. मतलब पिंपल्स केयर जेल में भी आपको अच्छा इफेक्ट मिल रही है, क्या यही बोलना चाह रहे हैं आप? अगर आपको मतलब अगर पिंपल्स केयर जेल यूज करने में अगर पिंपल्स केयर जेल यूज करने के बाद आपको अच्छा इफेक्ट मिल रहा है तो आप वही यूज कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं उससे ज्यादा कोई इफेक्टिव चीज की जरूरत है तो आप उसके लिए पिंपल्स के लिए शील्ड एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम को जरूर यूज कीजिए, राइट? फेयरनेस क्रीम आप फेयर, अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आया है कि फेयरनेस क्रीम अगर किसी की स्किन में कोई भी एक्ने पिंपल्स की दाग धब्बे हैं तो क्या वो यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप फेयरनेस जो अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम है आप उसे कोई भी जैसे कि पिगमेंटेशन छाइया हो या तो कोई भी एक्ने पिंपल्स की कोई भी दाग धब्बे हो आप उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसके साथ साथ अगर ये एक्ने पिंपल्स के दाग है उसके साथ साथ शी उच क्लैरिफाइंग फेस क्रीम को यूज करना ना भूले. ब्लैक दाग के लिए क्या यूज करना चाहिए? वो ब्लैक जो स्पॉट है वो किसका है? अगर छाइया है या तो अगर कोई भी पिगमेंटेशन है तो आप अल्ट्रा फेयरनेस क्रीम यूज कर सकते हैं, कुमकुम आदि फेस वॉश यूज कर सकते हैं, हमारी कोलाजिन बूस्टिंग यूज कर सकते हैं, और दिन में आपको यूज करना है सन प्रोटेक्शन. हफ्ते में 2 दिन स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप जितनी अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे वो मतलब दाग जो है जो स्पॉट है वो धीरे धीरे डेड सेल रिमूव होती जाएगी, राइट? और उसके साथ साथ नया सेल तैयार होगी जहां पे जो दाग धब्बे हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवरी होती जाएगी. राइट ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इसका एज इफेक्ट है, आप आफ्टर 12 के बाद किसी को भी यूज करवा सकते हैं. आफ्टर 12 के बाद आप किसी को भी इस प्रोडक्ट की यूजेस करवा सकते हैं.
ओके सो गाइस आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है और मुझे पता है कि आप लोगों को आज की जो सेशन है आप लोगों को पता है कि अभी जो ऑफर भी चल रही है ये भी बाय वन गेट टू की ऑफर है। आज की सेशंस का मेल मतलब मेन जो हमारी एक मोटिव था वो था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज दे, क्योंकि आप जब इस प्रोडक्ट की कलेक्शंस करें या तो जब आप इस ऑफर को ग्रैब करें नेक्स्ट जब आप इसे सेल करें तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि आप किस तरह से इस प्रोडक्ट को आप सेल कर पाए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास नया कौन सा चीज है ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर आपके पास पहले जो भी प्रोडक्ट्स है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको नहीं सेल करना है, जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई आपके पास ये लेने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि मैम ने अभी एक अनुराधा जी ने बताया कि मैम जो पिंपल्स केयर जेल है वो उनके पास है, लेकिन आपके पास अगर कोई पिंपल्स केयर जेल के बारे में पूछने के लिए आ रहे हैं तो आप उनके बारे में बताइए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो शियोट एक्ने क्लैरिफाइंग फेस क्रीम है उसके बारे में भी आप बताइए, फिर उनको चूज करने दीजिए कि उनको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप तक नया चीज आप किसी को नहीं दिखाएंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, कितनी ज्यादा हमारे बारे में सोच रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, राइट? ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? ओके सो गाइज आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और मैं जानती हूँ कि ये ऑफर जितने दिन तक है आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करेंगे, क्योंकि इसमें आपके बिजनेस ग्रोथ और भी ज्यादा होगी, राइट? सो आज की सेशंस हम लोग यहीं पे मतलब समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय जय केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो मच एवरीवन।